हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान स्थली। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग क्लास नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे इंडियन लॉजिक को। सो इंडियन लॉजिक को देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि लॉजिक क्या होता है और जो ये लॉजिक शब्द है ये कहाँ से आया है, इसका बेसिकली ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो तर्क हिंदी में इसको बोलेंगे भारतीय तर्क शास्त्र। ठीक है, तो तर्क शास्त्र का मतलब क्या है, पूरा का पूरा लॉजिक सिस्टम जिसमें हम देखेंगे कि जो नॉलेज है, जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है वो कहाँ से आते हैं। तो ये जो बेसिकली नॉलेज लगाने की हमारे अंदर जो कैपेसिटी होती है, हम कैसे लॉजिक लगा लेते हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड है हमारा लॉजिक सिस्टम। तो अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो लॉजिक का जो ओरिजिन है कि लॉजिक हमारे कहां से आता है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे लॉजिक लगाते हैं, तो इस लॉजिक को लगाने के लिए हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब भी हमारे सामने कोई नॉलेज की बात होती है कि हमको इस चीज़ का नॉलेज कैसे हुआ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये ज्ञानस्थली लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का नॉलेज आपको कैसे हुआ, तो इस चीज़ का नॉलेज होने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से जानो, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट इसको देख रहे हो तो ये क्या है, एक्सपीरियंस है। या मान लीजिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक बुक है जिसको कोई हाथ में पकड़े हुए है, तो आप कैसे मानोगे कि ये एक किताब ही है। तो ये जो ज्ञान है कि ये क्या है, एक बुक है, तो इस बुक को जानने का जो तरीका है वो आपके कहाँ से आया, ये नॉलेज कहाँ से आई, ये ज्ञान कहाँ से आया, तो इसको जानने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम अपने एक्सपीरियंस से जाने, एक्सपीरियंस का मतलब है यहाँ से अपने अनुभव के आधार पर जाने, या फिर हम इसको अपनी मेमोरी से जाने या अपनी इंटेलिजेंस से जाने। तो हम जिस चीज़ को अपनी इंटेलिजेंस के सहारे जानते हैं, इंटेलिजेंस की वजह से जानते हैं, ठीक है, इसी से हमारा एक चीज़ निकल के आती है कि हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। तो जो आप ये लॉजिक लगा रहे हो, इस लॉजिक में हम किसको पढ़ेंगे, इंडियन लॉजिक में। यानी कि किसी भी चीज़ को हमने कैसे जाना, किसी भी चीज़ का हमको नॉलेज कैसे हुआ, वो नॉलेज हमको या तो एक्सपीरियंस से होगा या इंटेलिजेंस से होगा, और इंटेलिजेंस से जो नॉलेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं। इसी को हम और भी बोलते हैं, जैसे हमें किसी को चीज़ को देख के क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न भी हमें इंटेलिजेंस से ही आता है, ठीक है। या फिर हम किसी चीज़ को लेके श्योर रहते हैं, लॉजिक लगा लेते हैं, या फिर हम किसी चीज़ को इंसाइट द्वारा सॉल्व करते हैं, तो इंसाइट जो चीज़ होती है एकदम से हमको किसी चीज़ को पता चल जाता है। तो ये जो तरीके होते हैं ये कहाँ से आते हैं, इनसाइट के द्वारा आते हैं। तो इस तरह का जो ज्ञान है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अप्रमा। ध्यान रखेंगे ये शब्द अप्रमा। अप्रमा का मतलब क्या है कि वो नॉलेज जो रियलिटी में हमारे सामने नहीं है फिर भी हम जानते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक कंट्री है जिसका नाम है अमेरिका, तो आपको क्या लगेगा कि आप इस रियलिटी में अभी आपके सामने नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ तो आप अपनी इंटेलिजेंस से इस चीज़ को जान सकते हैं। तो वो नॉलेज जिसको हम कहाँ डिसाइड करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस में, तो उसको बोलते हैं अप्रमा, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, सामने कोई प्रमाण नहीं है पर फिर भी हम उसको जान सकते हैं, राइट। दूसरा होता है प्रमा, जिसको हम एक्सपीरियंस के द्वारा जानते हैं उसको बोलते हैं हम प्रमा, और इसी प्रमा शब्द से निकला है प्रमाण, और इसी शब्द का मतलब होता है यथार्थ। यानी कि रियलिटी में अगर आप इसको देखें तो ये क्या एक बुक बनी हुई है, इसको आप रियलिटी में देख रहे हो, तो इस तरह का जो नॉलेज है उसको क्या बोलते हैं, प्रमा या प्रमाण, या इसको आप बोल सकते हैं कि जो चीज़ हम जिसको प्रूव होता है हमारे सामने, एविडेंस होता है। रीजनिंग में इसके लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है वो प्रमा यूज़ किया जाता है। ये जो प्रमा है ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देख लीजिए, डायरेक्टली देख लीजिए, परसेप्शन, ठीक है, किसी चीज़ का अनुमान लगा लो, इन्फरेंस, ठीक है, किसी चीज़ का उपमान या शब्द। तो ये चार तरह के आपके टेस्टिमनी, परसेप्शन, इन्फरेंस एंड आपका उपमान जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। तो ये जो चार तरह के प्रमाण होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा हम उनको जानते हैं। तो क्लियरली आपको डिवीज़न ध्यान रखना है, दो तरह का डिवीज़न है। केवीएस मदान बुक को आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए नॉलेज, नॉलेज को दो पार्ट में बांटा, एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस में ही आता है हमारा लॉजिक, और हमारा जो एक्सपीरियंस द्वारा जो हमको नॉलेज होती है उसको प्रमा बोलते हैं, और प्रमा चार तरह का हो सकता है, प्रत्यक्ष द्वारा,
और जिसको हम बोल सकते हैं परसेप्शन, इन्फरेंस एंड आपका कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी, तो शब्द, प्रमाण, प्रत्यक्ष और आपका उपमान। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रमा के द्वारा चीज़ों को जान सकते हैं। तो ये तो हो गया कि क्या है ना। अब हमें ये देखना है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि जो इंडियन लॉजिक है, जो भारतीय ज्ञान है, उसका यहाँ पे क्या मतलब है। यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हमें फिर से थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। फिलॉसफी का मतलब है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपका व्यू पॉइंट कैसा है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन की डेथ हो गई, तो आम आदमी के लिए वो क्या है कि वो पर्सन की डेथ हो गई, लेकिन एक फिलॉसफी वाला क्या सोचेगा, मरने के बाद क्या होता है, ये आदमी कैसे मर गया, इसके बॉडी से ऐसी क्या चीज़ बाहर चली गई, आत्मा क्या है, क्या आत्मा परमात्मा में मिल गई जाके। तो उसके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो फिलॉसफी है वो क्यूरियोसिटी से, या हमारे देखने का, दर्शन का मतलब होता है जिसको हम देखते हैं, धर्म का मतलब होता है हम जिसको धारण करते हैं। तो दर्शनम, जिस चीज़ को हम देखेंगे, सो अब हमारा व्यू पॉइंट। तो फिलॉसफी का मतलब होता है जो लोग ज्ञान से प्रेम करते हैं, लव फॉर विजडम, तो वो फिलॉसफर कहलाते हैं। अब बात करते हैं इंडियन लॉजिक की। तो चाहे कोई भी लॉजिक हो, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ें कहाँ से आईं, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, कि सारी दुनिया किससे बनी हुई है। अगर हम बात करें कि ये जो आपके सामने PPT चल रहा है, ये किससे बना हुआ है, ये आपको एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक कंप्यूटर से आप इसको देख पा रहे हैं, तो किससे बना है, इसका सोर्स क्या है, एपिस्टोमोलॉजी, किसने बनाया, मैंने बनाया, तो इसका सोर्स कौन हूँ, मैं हूँ एपिस्टोमोलॉजी, इसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स जिसको बोलते हैं तत्व मीमांसा, और तीसरा होता है एक्सियोलॉजी, ये कितना ब्यूटीफुल है, इसका क्या वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। तो किसी भी दर्शन के, फिलॉसफी के, ये तीन व्यू पॉइंट होते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नाम है एक्सियोलॉजी, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सो एक्सियोलॉजी जो ब्रांच है फिलॉसफी की, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ के पीछे सोर्स क्या है, उसी से जो निकल के आता है वो निकल के आता है इंडियन लॉजिक। तो जितने भी भारतीय दर्शन हैं, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वेद हो, चाहे आपका न्याय हो, मीमांसा हो, कोई भी दर्शन हो, हर दर्शन ये बताता है कि उस दर्शन का सोर्स क्या है। जैसे वेदों में क्या है, वेदों का सोर्स क्या है, कि वो किसको प्रमाणिक मानते हैं, वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। तो वैदिक फिलॉसफी, तो उनके नज़र में, उनके एटीट्यूड में क्या व्यू पॉइंट है, तो वो है क्या। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन लॉजिक्स को। तो इंडियन लॉजिक में फिलॉसफी की इन तीनों ब्रांच में से हम स्टडी करेंगे यहाँ पे एपिस्टोमोलॉजी का। सो ज्ञान मीमांसा को अब हम देखेंगे। सो इंडियन लॉजिक, आफ्टर आस्किंग कैन आई नो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली हाउ डू आई नो, कि हम कैसे चीज़ों को जानते हैं, और द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, किसी भी चीज़ का सोर्स क्या है, वो चीज़ कहाँ से एग्जिस्टेंस में आई, हम उसके बारे में कैसे जानते हैं, वॉट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। एपिस्टोमोलॉजी जिसको बोलते हैं हम ज्ञान मीमांसा, इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजन, ये किसकी स्टडी करता है, ओरिजन की, उत्पत्ति की, नेचर की, क्या नेचर है, एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। हम ह्यूमन हैं तो हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं, हम जैसे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, बहुत इनफाइनाइट यूनिवर्स है, हम सबके बारे में नहीं जान सकते, तो ह्यूमन नॉलेज का क्या है, कुछ लिमिट है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। सो लॉजिक इज द स्टडी ऑफ इन्फरेंस एंड आर्ग्यूमेंट, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अनुमान लगाते हैं तर्क के आधार पे। द लॉजिक एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन सिस्टम आर लार्जली कलर्ड बाई देयर मेटाफिजिकल टेंस। फिलॉसफी बेसिकली डील विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैन एंड नेचर, तो फिलॉसफी में हम देखते हैं कि मनुष्य किस तरह से प्रकृति के साथ डील करता है। इट इज़ द एनालिसिस, असेसमेंट एंड एक्सपोजिशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, तो जिसमें हम नॉलेज को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, असेस करते हैं और एक्सपोजिशन करते हैं। अब इंडियन लॉजिक की बात करें, तो इंडियन लॉजिक का मतलब है भारतीय दर्शन, ठीक है, भारतीय तर्कशास्त्र। तो भारतीय जो तर्कशास्त्र है, इंडियन फिलॉसफी है, उसमें दो स्कूल हैं। पहला स्कूल है आपका ऑर्थोडॉक्स एंड दूसरा स्कूल है आपका हेटरोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल का मतलब क्या है, कि वो दर्शन जो आपका डिफाइन करता है फिलॉसफी को, कि यहाँ पे वेदों को मानना और वेदों को नहीं मानना। तो ये बेसिकली जो ये डिवीज़न है वो किसके आधार पे है, आस्तिका और नास्तिक। ये दर्शन आस्तिक दर्शन है,
यदि नास्तिक दर्शन है। तो इनका बेस क्या है, क्यों इनको आस्तिक कह रहे हैं, क्यों इनको नास्तिक कह रहे हैं, ठीक है। तो इनके जैसे मान लीजिए सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता लेकिन ये आस्तिक दर्शन है, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक होने का मतलब गॉड की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। क्लियरली मैं बोल रही हूँ, गॉड की अथॉरिटी नहीं है। मैं आस्तिक, मैं अगर ईश्वर को नहीं मानती हूँ फिर भी मैं आस्तिक हूँ अगर मैं वेदों की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करती हूँ, द थ्योरी ऑफ वेदास। अगर कोई पर्सन थ्योरी ऑफ वेदास को एक्सेप्ट करता है तो वो ऑर्थोडॉक्स है, आस्तिक है। और अगर कोई पर्सन थ्योरी ऑफ वेदास को रिजेक्ट करता है तो वो क्या है, हेट्रोडॉक्स है और नास्तिक है। तो क्या थ्योरी है वेदाओं, वेदों में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसको ये तीन लोग तो बुद्धिस्ट जैनिज्म चावार्क नहीं मानते हैं और न्याय वैशेषिक मीमांसा और सांख्य उसको मानते हैं। तो ऐसा क्या लिखा है, तो इसका मतलब है वेदों में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ कर्मा, थ्योरी ऑफ रिवर्थ। तो जो भी थ्योरी ऑफ कर्मा को मानेगा, थ्योरी ऑफ रिवर्थ को मानेगा, वेदों के लिटरेचर को मानेगा, वो सब के सब किस में आते हैं, ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आते हैं, आस्तिक दर्शन में आते हैं। यूजीसी नेट में कई बार इवन एजुकेशन सब्जेक्ट में और आपका पेपर वन में इससे लेके इसी डिवीजन से लेके क्वेश्चन आया, तो इस डिवीजन को आप बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा। सो न्याय फिलॉसफी क्या है, इसमें इन द न्याय फिलॉसफी नॉलेज इज टर्म एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉलेज लाइट्स इट्स ऑब्जेक्ट एज डज अ लैम्प, नॉलेज में भी वैलिड और इनवैलिड। तो जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन क्या कहता है कि जो जो दर्शन है, जो नॉलेज है वो वैलिड भी हो सकती है, इनवैलिड भी होती है। तो वैलिड नॉलेज क्या होती है, प्रमा होती है, और इन प्रमा इज डिफाइंड एज द राइट एप्रिसिएशन। तो प्रमा का मतलब क्या है, अब आपको ये ध्यान रखना है, प्रमा का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस से मिलती है। तो न्याय दर्शन वैलिड नॉलेज किसे मानता है, प्रमा को, ये वैलिड नॉलेज मानता है। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट इज, न्याय मेंटेन्स द थ्योरी ऑफ करस्पोंडेंस व्हाइल न्याय सिस्टम रिकॉग्नाइज ऑल फोर प्रमाण्स, ठीक है। अगर कोई प्रमा को मान रहा है तो इसका मतलब है किसको किसको मान रहा है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान को मान रहा है, वो अनुमान को मान रहा है, वो उपमान को मान रहा है, वो शब्द को मान रहा है, वो परसेप्शन टेस्टिमनी एंड आपका अब इन्फरेंस एंड कंपैरिजन चारों को मानता है। तो न्याय दर्शन चार तरह के प्रमाणों को मानता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है किस किस को मानता है, तो न्याय दर्शन चार तरह के प्रमाण को मानता है जिसको परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन, इस कंपैरिजन को उपमान, टेस्टिमनी को शब्द, इन्फरेंस को अनुमान और परसेप्शन को बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। वैशेषिक रिकॉग्नाइज ओनली टू प्रमाण्स, तो वैशेषिक दर्शन जो है वो कितने प्रमाण को मानता है, सिर्फ दो को मानता है जिसको बोलते हैं परसेप्शन और इन्फरेंस, प्रत्यक्ष और अनुमान को ही मानता है वैशेषिक दर्शन। रिड्यूसेस कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी टू इन्फरेंस, ठीक है, बाकी सिर्फ दो को ही ये मानता है। वैशेषिक फिलॉसफी न्याय सिस्टम इज अलाइड टू द वैशेषिक सिस्टम, ठीक है। न्याय और वैशेषिक को एक दूसरे का कहीं ना कहीं इनको कंप्लीट करते हैं। विच इज डेवलप्ड मेटाफिजिक्स एंड ऑन्टोलॉजी, द वैशेषिक का सूत्र आर द ओल्डेस्ट वन एंड वाई द कनाड वर रिटन शॉर्टली बिफोर गौतम न्याय सूत्र। द वर्ड विशेष मीन्स पर्टिकुलरली एंड एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो विशेषिक जो दर्शन है वो किस पे ध्यान देता है, स्पेशलाइजेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल का एक हर पर्सन का अपना खुद का क्या है, एक इंडिविजुअल करेक्टर है। इट इज रिकॉग्नाइज थ्री रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस सच एज सबस्टेंट क्वालिटी एंड एक्टिविटी, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जेक्ट को मानता है, एक्सपीरियंस क्वालिटी एंड एक्टिविटी। देर आर थ्री प्रोडक्ट ऑफ इंटेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन विच आर जनरली पर्टिकुलरी एंड कॉम्बिनेशन लाइक द न्याय स्कूल। द स्कूल ऑल्सो एक्नॉलेज परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपेरिजन एंड वर्बल टेस्टिमोनी एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये वैलिड सोर्स मानता है लेकिन प्रमा में ये सिर्फ और सिर्फ दो को ही मानता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मीमांसा फिलॉसफी। मीमांसा फिलॉसफी सिक्स को प्रमाण मानता है, ठीक है, जिसमें जितने सिक्स प्रमाण है सिक्स को भी इम्पोर्टेंस देता है। सो मीमांसा लिटरली मीन्स रिवर्ड थ्रो एंड वॉज ऑरिजिनली अप्लाइड टू इंटरप्रटेशन ऑफ द वैदिक रिचुअल्स विच कमांडेड हाइएस्ट
जैसे क्या था कि जो वैदिक फिलॉसफी थी ये टू पार्ट में बट गया, कुछ लोग इसमें रिचुअल्स में बिलीव करते थे और कुछ लोग इसके फिलॉसफी में बिलीव करते थे, ठीक है। जो फिलॉसफी में बिलीव करते थे वो दूसरे स्कूल में चले गए और जो मीमांसा में रह गए वो क्या है कि एक मीमांसा के दो पार्ट हो गए, उत्तर मीमांसा एंड पूर्व मीमांसा, ठीक है। सो इट इज़ द ऑल्सो वेरी एंशियंट इन द मीमांसा सूत्र बाई जेमिनी वाज रिटन ड्यूरिंग द 4th century BCA कॉग्निशन विच एप्रीहेंडेड एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरेक्शनली इनवैलिड मेमोरी अराइज फ्रॉम द इम्प्रेशन ऑफ अ प्रायरी कॉग्निशन। तो जो आपका मीमांसा दर्शन है, बेसिकली मीमांसा दर्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो 6 knowledge, 6 आपके वैलिड प्रूफ्स हैं वो 6 को भी ये मीमांसा फिलॉसफी में इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड जैनिज्म जो फिलॉसफी है ये एक आपका हेट्रोडॉक्स स्कूल से नास्तिक दर्शन है। तो जैन्स हैज क्रिटिकली एग्जामिन द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, हियर नॉलेज ऑफ द टू काइंड्स दे आर फॉलोड, ठीक है। तो जैन दर्शन जो है वो सिर्फ दो को ही मानता है, वो क्या है, प्रमाण एंड न्याय, ठीक है। तो ये इनका अपना एक अलग है कि प्रमा और न्याय दोनों को ही मानते हैं। इनके अकॉर्डिंग दो ही तरह का नॉलेज हो सकता है जो हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल सकता है। तो डायरेक्ट परोच और अपरोच ज्ञान को ही मानते हैं जिसको हम प्रमा एंड न्याय बोलते हैं, ठीक है। नय इट रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ द थिंग्स एज इट इज, नय और नॉलेज ऑफ थिंग्स इज रिफ्लेक्शन इट, ठीक है। तो नय का मतलब क्या है यहाँ पे, जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं चीजें, और प्रमा का मतलब है जो हमें एक्चुअल दिख रही हैं। तो बोथ प्रमाण्स एंड नय आर एसेंशियल फॉर द फुल एंड ट्रू नॉलेज ऑफ अ थिंग। तो जैनिज्म क्या मानता है कि अगर हमें किसी भी चीज का नॉलेज करना है तो हमें दोनों तरह के नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिज्म दो तरह की नॉलेज को मानता है जिसमें प्रत्यक्ष आता है और आपका अनुमान आता है, इन्फरेंस और परसेप्शन को मानता है। बुद्धिज्म इज सेंटर्ड अपॉन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा, वेयर जैनिज्म इज सेंटर्ड इन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ महावीरा। बुद्धिज्म इज अ पॉलीथिटिस्टिक रिलीजन एंड इट्स मेन गोल इज टू गेन इनलाइटमेंट, ठीक है। तो बुद्धिज्म में क्या है कि बुद्धिज्म जो दर्शन है वो मेस्टली इस बात पे फोकस करता है कि आपको इनलाइटमेंट कैसे मिले, आप कैसे आप कैसे अपने सर्वोच्च वहाँ तक पहुँच पाएँ कि आप अपनी आत्मा को पहचान पाएँ, राइट, अपने आप को आप जान पाएँ, इनलाइट हो पाएँ। सो जैनिज्म ऑल्सो है पॉलीथिस्टिक रिलीजन, इसमें बहुत तत्ववाद है। रिलीजन एंड इट्स गोल आर बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड लिबरेशन द सोल, ठीक है। सोल को लिबरेशन करना है हमें सोल का, एंड नॉन वायलेंस अहिंसा की बात करते हैं। दोनों बहुत तत्ववादी दर्शन है, पॉलीथिस्टिक है, ठीक है। बुद्धिज्म सेज दैट द लाइफ इज सफरिंग एंड द ओनली वे टू एस्केप फ्रॉम दिस सफरिंग इज टू डिसअपील वंस क्रेविंग एंड इग्नोरेंस बाय प्रैक्टिसिंग द एटफोल्ड पथ। अगर आपको बुद्धिज्म जानना है तो आपको 4 noble truth पता होने चाहिए। दुख है, दुख का कारण है ना, निवारण है, और उसका सॉल्यूशन है अष्टांगिक मार्ग। तो जो 4 path हैं उन पथ में जो लास्ट है जिसको बोलते हैं एट फोल्ड पथ अष्टांगिक मार्ग, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जितनी भी आपकी सफरिंग है, परेशानी है, उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। वही जैनिज्म सजेस्ट करता है रिस्पेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स। तो जैनिज्म में लिविंग थिंग्स को, सभी को लिविंग थिंग्स पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और हद से ज्यादा ये अहिंसावादी है। दोनों के दोनों सोल के लिबरेशन में बिलीव करते हैं। वही बुद्धिज्म दो तरह की नॉलेज को मानता है, आपका परसेप्शन और इन्फरेंस को मानता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। तो ये था आपका इंडियन लॉजिक। आगे इसके लेक्चर में देखेंगे हम कि प्रमाण्स क्या होते हैं और प्रमाण्स के टाइप क्या होते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।